माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। अमूमन मैं अपने विंडो के सामने ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मौसम सनलाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज सन नहीं है लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। और आज का व्लॉग जैसे कि हमारा स्टार्ट हो चुका है तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो मेरे साथ रहिएगा, आज जो भी कुछ करूँगी सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो साथ रहिएगा वीडियो में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बेटे, यहाँ जो अरिज अली जिद कर रहे थे कि उन्हें मदरसे से पाना पढ़ने नहीं जाना है और थोड़ा सा चूट गया और रोना धोना नहीं मचाया था कि मुझे पढ़ने नहीं जाना मम्मा, और उन्होंने जबरदस्ती मतलब पढ़ने में लग गई क्योंकि अक्सर छुट्टियाँ ज़्यादा करवा लो तो ये लोग ज़्यादा परेशान करते हैं फिर जाने में। अच्छा, यहाँ पे फिर लोग दोपहर का खाना वाना खा रहे थे, खाना वाने से फ्री होकर फ्री हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर जो है मैंने आटा भी घूम के रख लिया है शाम के लिए, दोपहर का टाइम है बट मैंने आटा घूम के रख लिया है यहाँ पे शाम के लिए। तो इसको चल के हम जल्दी से इसको फ्रिज में रख देते हैं जल्दी से, इससे पहले ये ख़राब हो जाए। तो मैं आटा फ्रिज में रख देती हूँ जल्दी से, और शाम में जब हम इसको रोटी बनाएंगे तो हम निकाल लेंगे। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आलू को मैंने कट करके सूख कर लिया है और यहाँ गोभी भी बहुत अच्छी लग रही है कटी हुई, और मुझे गोभी कॉलीफ्लावर्स बहुत पसंद है। और ये मसाला मैंने बना कर रखा है बॉयल, और ये फिलहाल प्याज हो रही है तो मैं जल्दी से पहले मसाला उसके अंदर डाल दूँ क्योंकि प्याज भी मुझे ज़्यादा। यहाँ पर जो है गाइस हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी गोभी के जो डंठल मैंने कट करके रखे हुए थे वो, और आलू इसमें ऐड हो जाएंगे। ये जब थोड़े से पक जाएंगे तो इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो जी गाइस, जैसे कि आप शाम का टाइम है और मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ अपने हस्बैंड की वजह से, और शाम को अमूमन सबको रेडी भी होना चाहिए जिन जिन के हस्बैंड आते हैं ऑफिस से। तो मेरे हस्बैंड तो फिलहाल घर पर ही हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है आजकल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि थोड़े से काम निपटाने हैं। तो मेरे साथ रहिएगा व्लॉग में एंड तक। अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी, तो मैंने भी दिखाया भी आप लोग को, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ्री हुई हूँ अभी, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी किचन में, तो मेरे साथ रहिएगा। हमारे यहाँ पर जो है आलू गोभी बिल्कुल फाइनल हो गया था। यहाँ पर मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया और अदरक जो भी गार्निश करना था वो कर दिया था, गरम मसाला भी मैंने ऑलमोस्ट इसमें डन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आरिज अली को जो है स्टडी करवा रही थी, काम से फारिग होकर फिर मुझे आरिज को लेके पढ़ाती थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा तो मुझे देखना पड़ा था इसको थोड़ा सा। मैं आपको प्रैंक करने वाला था, आपको प्रैंक कर रहा था। क्या कर रहे थे आप मम्मा को? प्रैंक प्रैंक करने वाले थे मम्मा के साथ। प्रैंक प्रैंक अभी लेकिन इस बातें सुन रहे हैं आप, इनकी मम्मा के साथ ये प्रैंक करने वाले थे। अच्छा, आरिस को स्टडी करवाने के बाद फिर क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था रात के लिए तो मैं रोटियां बनाने लगी थी, यहाँ पर रोटियां बनाई फिर मैंने जल्दी से, और ये मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए खाना वाना खा के निकल रहे थे तो मैं लापिस करी थी इनको। तो जी गाइस, अब बारी है ब्लॉग को एंड करने की। खाना खा के हम लोग सब फ्री हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, आरिस भी सो चुके हैं। आज आरिस जल्दी सो गए क्योंकि आरिस मॉर्निंग में आज जल्दी उठ गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का जितना भी ब्लॉग था आप लोग को पसंद आया होगा, तो मेरी इस एफर्ट को पसंद कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।